अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैं अपने बेटे के साथ मसरूफ़ था। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आज आपको मैक्रोनी के बारे में बताऊंगा। अचारी मैक्रोनी मैं आज बनाने जा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, अब मैं एक एक करके आपको बताऊँगा कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। नंबर वन पे ये आधा पैकेट आपने मैक्रोनी का ले लेना है, दो मीडियम साइज़ के आपने प्याज ले लेने हैं, और आपने एक पाव चिकन उबला हुआ, जो इस तरह आपने छोटी छोटी उसकी बोटियां बना लेनी है। एक शिमला की मिर्च ले लेनी है, आधा का चम्मच जो है ना वो आपने अदरक मैश किया हुआ और लहसुन मैश किया हुआ वो आपने मिक्स करके ऐसे रख लेना है, और आपने आधा कप जो है ना वो ऑयल ले लेना है, आधा चम्मच आपने सुरख मिर्च ले लेनी है, एक चम्मच आपने नमक ले लेना है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है अचारी मसाला। अब मैं आपको बताऊँगा सबसे पहले आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने जो है ना मैक्रोनी को उबालना है। मैक्रोनी उबाल, ये आपने एक जो है ना पतीली में पानी लेना है हसबे ज़रूरत। इसमें आपने नमक को मिक्स कर लेना है और इस उबले हुए पानी में आपने मैक्रोनी को उबालना है। आप ये देख रहे हैं मैक्रोनी उबल रही है। इसी दौरान आपने जो है ना दूसरा काम अपना शुरू जारी कर लेना है। उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है ना वो एक पतीली रख लेनी है, जिसमें आपने जो मैंने आपको ऑयल दिखाया था वो ऑयल आपने हाफ कप इसमें डाल के प्याज को फ्राई करना स्टार्ट कर देना है। अब आप ये देखें, ये मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है, ठीक है, और मैंने इसमें प्याज डाल दी है। ये देखें, ये सारी प्याज मैंने इसमें डाल दी है, अब ये फ्राई हो रही है। अच्छा, ये आप देख रहे हैं, ये मैंने अपनी प्याज जो है ना इसको मैंने रेडिश कर लिया है, और ये दूसरी साइड पे भी आप देख लीजिए मेरी मैक्रोनी उबल चुकी है। मैंने इसको पानी इसका सारा छान लिया है, ये रखी हुई है। अच्छा, इस दौरान मैं आपको जो है ना वीडियो से लुत्फ भी होना चाहिए, मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाने वाला हूँ। एक लड़की ने ना अपने बॉयफ्रेंड से कहा कि तुम मुझे अपना मोबाइल फ़ोन दे दो, मैं ऐसे ना देख देख के तुम्हें याद किया करूँगी। तो वो लड़का आगे से उसे क्या कहता है, वो लड़का कहता है तुम ये सोच के याद कर लेना कि तुमने मांगा था और मैंने नहीं दिया। लतीफ़ा हंसने वाला था लेकिन आपको हंसी नहीं आई होगी। अच्छा, ये मेरी प्याज से पहले के जले, मैं आपको अगली चीज़ बता दूं। अब ये अदरक और लहसुन जो मैश किया हुआ था ये अब आपने इसमें ऐसे ही डाल देना है, ये मैंने इसमें डाल दिया है आपके सामने। इस दौरान आपने थोड़ा सा पानी भी डालना है ताकि जो है ना ये आपकी प्याज लगे ना। ये मैंने इसमें थोड़ा पानी भी डाल दिया है, ये ताकि मेरी प्याज जो है ना लगे। अब ये थोड़े थोड़े करके इसमें सारे जो मसाला जात मैंने आपको दिखाए थे वो सारे अब इसमें हमने डाल देने हैं। ये हमारा इसमें चिकन चला गया, ये इसमें हमारी अब शिमला मिर्च चली गई, ये इसमें हमारी सुर्ख मिर्च चली गई जो कि आधा चम्मच थी, ये हमारा नमक चला गया, और इसको हिलाना है। अब हम इसको हिला रहे हैं, और इस दौरान एक चीज़ मैं आपको और भी बताता चलूँ कि मैं आपको बताना भूल गया था कि जो दही है ना, जो दही है ना वो आपने लेनी है एक कटोरी, और उसके अंदर जो मसाला था ना आपका, वो मसाला आपने उसके अंदर मिक्स कर लेना है। वो मैं आपको दिखाने लगा हूँ, ये दही है मेरे पास और ये मसाला है मेरे पास, और ये मैं आप इसके अंदर डाल के आपको दिखा रहा हूँ। ये आपने इसको मिला लेना है ऐसे, और इसको एज इट इज़ ऐसे मिलाने के बाद आपने उस अपने मसाले में डाल लेना है। देखिए, मैं आप डाल दिखाने लगा हूँ, ये मैंने डाल लिया है, और अब मैं इसको पका रहा हूँ, अपना मसाला तैयार कर रहा हूँ अचारी मैक्रोनी का। अच्छा, ये आप देख रहे हैं मैं मसाला अपना पका रहा हूँ। इसमें अब आपने अपना आधा कप आपने पानी डालना है, और उसके बाद आपने इसको ढक्कन से ढक देना है। फिर ये 15 मिनट बाद, कम से कम 10 से 15 मिनट बाद आपने इसको देखना है।
जैसा कि आप ये देख रहे हैं 10 मिनट हो गए हैं मेरे मसाले को, मैंने इस ढक्कन इसका उठा लिया है। अब इसको आपने कम से कम 5 मिनट में आप इसको भूनने के बाद, मैंने इसको भून लिया है वैसे, और ये जो आपकी मैक्रोनी तैयार थी ये आपने इसके अंदर ऐसे उंडेल लेनी है, ये आपने इसके अंदर सारी डाल लेनी है ऐसे। ये आपने सारी इसमें डाल ली, ये डालने के बाद आपने सारा इसको मिक्स कर लेना है मसाले के साथ, ये जो हमने अपना तैयार किया हुआ था सारा मसाला, ये सारा मसाला आपने तैयार किया हुआ इसको मिक्स कर लिया। ये मेरी आज की दूसरी आपके लिए डिश मैंने बनाई है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसके बाद आपने इसको 10 मिनट मज़ीद आपने इसका ढक्कन ढकना है और इसको दम पर रख देना है। ये देखिए जी 10 मिनट गुजर चुके हैं, मैंने दम पे से हटा लिया है और माशाल्लाह 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 ये मेरी अचारी चिकन मैक्रोनी तैयार हो गई है। और मेरा बेटा बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, वो मेरे से मांग रहा है और मैं अब आपको दिखाऊंगा वो इसको खाएगा। ये देखें जी मेरी वीडियो कंप्लीट होने वाली है, अचारी चिकन मैक्रोनी तैयार हो गई है और ये मेरे बेटे ने मुझे बहुत तंग किया है लेकिन फिर भी मैंने बड़ी कोशिश से तैयार की। और ये देखें और ये कैसे मज़ेदार तरीके से अकेला अकेला खा रहा है। फारिस इधर, हेलो मुझे दे दो थोड़ा सा, वो देखो मुझे कह रहा है नहीं, मना कर रहा है। चलिए बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो को देखने का, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मैं आपके पास हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।